शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब। ओम शुभ मंगलम अस्तु, शुभ मुहूर्तम अस्तु। मास्टर जी कन्या को बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुण्य। ठहरो पंडित जी, मंत्र मंत्र बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। दीनानाथ जी, पहले लेन देन की बात क्लियर कर ले। हाँ जी। बापू मेरे स्कूटर की बात भी कर लेना। स्कूटर, लेन देन, ये सब क्या है? आपने तो जहेज लेने वालों और देने वालों दोनों की बुराई की थी और ये आज आप। अरे तो हम कहाँ आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बंद मुट्ठी खोल दीजिए दीनानाथ जी। भाई जो मैं कह चुका हूँ वो आपके सामने है। 11 जोड़े कपड़े, 11,000 और 100 रुपए नकद, और जो सोने के जेवरात मेरी बेटी पहने हुए हैं वो देखे तो जरा ये जेवरात। बेटे दीनानाथ जी, हम तो समझे थे कि आप ऐसे स्कूल के मास्टर हैं जहाँ बच्चों को अच्छी तालीम और शिक्षा दी जाती है, लेकिन आप तो झूठ बोलने और फरेब देने के हेडमास्टर निकले। गोपाल दास जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। रमजान मियां, भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? दीनानाथ जी एक ईमानदार इंसान है, हमारे गांव के लोग इनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं, ये फरिश्ता है फरिश्ता। लगता है आप तो किसी ने बहका दिया है, वरना दीनानाथ जी के लिए ऐसी बात कहना तो दूर की बात है, सोचना भी बात है। बेटे कुंदन, जाओ मदनलाल सुनार को ले आओ। माफ कीजिए गोपाल दास जी, आप साफ साफ बताइए कि मुझसे क्या भूल। दीनानाथ जी, जिस तरह से आपने अपने चेहरे पर शराफत और भोलेपन का पानी चढ़ा रखा है, उसी तरह इन नकली जेवरों पर सोने का पानी चढ़ाकर आप मेरे हवाले करना चाहते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ये जेवरात असली सोने नागराज जी के यहाँ गिरवी रखे थे, आप पूछ लीजिए ना उनसे। अरे मास्टर जी, जो जेवरात आपने मेरे पास गिरवी रखे थे वो मैंने बड़ी हिफाजत के साथ अपनी तिजोरी में रखे थे, उसके बाद आपको आपकी चीजें वापस लौटा दी थी। अब ये जेवरात सोने के हैं, चांदी के हैं या पीतल के हैं, या आप जाने। मुझ खरीद को क्यों इन कांटों में घसीट रहे हैं आप? असली और नकली जेवरात का फैसला फेरों से पहले होगा दीनानाथ जी। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल होगा। लीजिए, मदनलाल जी आ गए। आइए मदनलाल जी। राम राम मास्टर जी। मदनलाल जी जरा देखिए तो सही कि इस सोने की चूड़ी में क्या खोट है। देख लिया आप सबने, गरीब होना कोई पाप नहीं मास्टर जी, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का ढोंग रचाकर धोखा फरेब और विश्वासघात करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप और कमीनापन है। तो बेटा ये शादी नहीं होगी। भाई साहब रुक जाइए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आजकल के नौजवान अपने आप पर भरोसा रखते हैं, दहेज को बुरा समझते हैं। मेरी बहन लक्ष्मी समान है, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। ओ भाई साहब, अपने लक्ष्मी अपने घर में रखो, हमें तो लौटने वाली लक्ष्मी चाहिए। भाई साहब वो भी देंगे, आपकी हर मांग पूरी करेंगे। हर मांग पूरी करेंगे, गारंटी क्या है? गारंटी ये कलम मेरे पिताजी को उनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए स्कूल में इनाम में मिला था, ये मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। आपकी सारी मांगे पूरी हो जाने के बाद मैं ये कलम छुड़वा लूंगा। अरे वाह बेटा, तो बाप से भी दो जूते आगे निकला, ये तो पूरा खानदान ही नीच और जलील लोगों का है। ऐसे कलम तो फुटपाथ पर कौड़ियों के भाव बिकते हैं मिस्टर। चलो We'll be right back.
मैं झूठा तो नहीं हूँ। नहीं, तारे गांव के सामने मुझे दलील और झूठा बना दिया। बस जी, बस जी, मेरा सारा ईमान छूट गया। नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, दोस्ती की लाज रख ली तूने। क्या चाल चली है यार, बिल्कुल वैसे ही पीतल के गहने बनवा कर उन पर सोने का पानी चढ़वा दिया। के कारण दुनिया वालों ने तेरी बेटी को मार डाला, तुझे झूठा बना दिया। इस पापी संसार को तेरे इस कलम की जरूरत नहीं, एक ऐसे कलम की जरूरत है जो स्याही से नहीं खून से लिखता हो। अलका मेरी इकलौती बेटी है, मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, और फिर तूने जो कुछ भी मांगा था मैंने तुझे दिया है, अब उसका ख्याल रखना। अरे नागी, तेरी बेटी अब मेरी बहू है, तू फिक्र मत कर। आ बेटा। नमस्ते जी। ये रास्ता किसने रोका है? आपकी लकड़ी कैसी है? ये शादी के हवन की लकड़ी नहीं है गोपाला, ये इस बात की निशानी है कि मैंने इसे क्या क्या जलाया है, और अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। रहने दो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा बापू तुमसे सौदा नहीं कर सका गोपाल दास, मगर मैं तुमसे सौदा करूंगा। कैसा सौदा? तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। नहीं गोपाल दास, रिश्ता खत्म नहीं हो, रिश्ता तो अब शुरू होगा। कुंदन, ये क्या मजाक है बेटे, कुछ तो सोचो। ये सब क्या है लाला? ये दहेज है अलका बिटिया के लिए। सारा सामान उतारो।
मैंने कहा ना सारा सामान उतारो। तुझे स्कूटर चाहिए था ना? मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तुमसे फरमाइश की थी। आजा। चल इसमें बैठ जा। तूने शादी की दौलत से, दहेज से, लेकिन इनके फेरे नहीं लिए। फेरे? अरे फेरे लगा लो बेटे, जल्दी से लगा लो, कोई नहीं रसम होगी जो कुंदन बेटा देखना चाहता है। चल जल्दी से सात फेरे लगा। चल शाबाश बेटे। तो की नजाकत समझ, उसके हाथ में बंदूक है। सात फेरे हो गए। हो गए? मुबारक हो। गांव वालों, गांव के नाते लाला के दामाद को हमें भी कुछ देना है, और वो चीज मैं आप लोगों के सामने दूंगा। चल जा। माँ के चरणों में खड़ा होकर सौगंध खाता हूं, जो कहानी आज मैंने अपने खून से लिखना शुरू की है वो उस पापी के खून पर अंत हो। हे गोपू, हे गोपू, मेरे दुख दर्द तू ही दूर कर सकता है। मेरी बेटी तो सिर्फ फेरों की गुनहगार है, लेकिन अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी इज्जत बचा ले मेरे दोस्त, मेरी इज्जत बचा ले। कैसे? ये तेरा दूसरा बेटा है ना नटवरलाल? क्या कहा? अरे नागी, तू तो सचमुच का नाग है। मेरे एक बेटे को तो डस लिया, अब दूसरे पर दांत तेज किए बैठा है। हाँ बापू, देखो बापू, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, और वो भी नकद। कितनी उंगलियां हैं? चार। और ये क्या है? ये अंगूठा है। अरे जिंदगी भर लोगों से अंगूठे लगवाता रहा, और अब उसी अंगूठे से भाग रहा है। अंगूठा मिलाकर 5 हुए ना गोपू? 5,00,000? ऐसा मत कर गोपू, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा मेरे यार। तू कंगाल हो जाए या बंगाल, मैं बेईमानी का धंधा इतनी ईमानदारी से करता हूँ कि लोग मेरी बेईमानी पर ईमान लाते हैं।
5 लाख रुपया नकद देता है तो ये शादी हो सकती है। क्यों नटवर बेटे? शादी? बापू, मैं इस बलूस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या बात करता है बेटे? तू होशियार बेटा होकर बुजदिली की बात करता है? अरे औरत तो पाँव की जूती होती है, पसंद नहीं आए तो निकाल कर फेंक देना और दूसरी कोई ले आना। सच बापू? हाँ तो मैं फिर तैयार हूँ, जल्दी लाला। गरम खून है ना, जोश में आ गया था, समझा कर ठंडा कर दिया है। लाला पहले नोट गिनने की तैयारी करो, पूरे 5 लाख। 5